Welcome to an exclusive interview of GMB News. Today, we are here in New Delhi. We have a special guest today, who is the National Secretary of N Northeast, in charge of Rashtriya Lok Jan Shakti Party, RLJP, Madam Ruchida Sarma. Madam, you see, Manipur is on a boil for 9 months. And it's currently having a lot of issues in our state. What is your stand, your party's stand, in the current crisis of Manipur? This time, Manipur is burning right now. Everyone knows in the India. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मणिपुर में जो अभी जल रहे हैं उसका अगर डीपली अगर हम जाके उसका कुछ सोल्यूशन निकालना है तो हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके ही कर सकते हैं, क्योंकि जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके इसका सोल्यूशन नहीं निकालेगा, मणिपुर जैसे जल रहे हैं उससे भी ज़्यादा डीपली जाके और भी जलेंगे. इट विल बी बर्निंग मोर. सो इसके लिए मैं अपने तहे दिल से और अपने भारत के प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि मणिपुर को जितना जल्दी हो सके मणिपुर को बचाया जाए. और मणिपुर को जो खुशहाल है, मणिपुर में जो शांतिपूर्वक जो लोग जी रहे थे, उसको जीने के लिए आप लोग के सहयोग बिना हम लोग नहीं कर सकते हैं. आप लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा और तहकीकात करें और इसको सोल्यूशन जल्द से जल्द लाया जाए. असल में क्या है, हम लोग यही सोचते हैं कि मतलब आज ख़त्म होगा, कल ख़त्म होगा, परसों ख़त्म होगा. इससे नहीं होगा, क्योंकि ये जो चल रहे हैं मणिपुर में ये हमारे एक कम्युनिटी के हिसाब से नहीं है. ये जो हो रहा है ये एक नार्को टेररिस्ट और इलीगल इमाइग्रेंट्स की वजह से इट्स हैपनिंग इन मणिपुर. तो नार्को टेररिस्ट और इलीगल इमाइग्रेंट्स को जड़ से उखाड़ना हमारे हाथ में नहीं है. अगर भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार मिलके करेंगे तो मेरी have you approached to the government of India about yes we already approach और उनका एक विश्वास दिलाया है कि मणिपुर में जल्द से जल्द हमारे वहाँ पे शांति और खुशहाल आएंगे. लेकिन हम लोग भी इंतज़ार करते करते 8 महीना गुजर गए, 9वां महीना चल रहा है, लेकिन इतना दिन तक हमारे मणिपुर में क्यों अभी तक शांति लाया नहीं गया, इसके लिए हम थोड़ा सा दिल से मतलब थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए हैं. लेकिन हम चाहते हैं कि हम आज भी भारत के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द मणिपुर को शांति और खुशहाल लाने में इनका जो सहयोग हमें चाहिए वो दिया जाए, क्योंकि ये हमारे मणिपुर का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारत के लिए है. भारत को अगर कोई आतंकवादी आके हमारा मणिपुर के, क्योंकि वो हमारा बॉर्डर एरिया है तो वो हमारे ही स्टेट में ही झपते हैं, तो उस चीज़ को सुलझाने के लिए बस मैं बार बार यही अनुरोध करती हूँ कि मतलब गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी मिलके हमारा मणिपुर का जो सोल्यूशन है जल्द से जल्द लाया जाए. हम लोग ने भी, उन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया है कि हम भी इस विश्वास में आज तक है कि वो जल्द से जल्द इस चीज़ को मतलब अपने काबू में रख के मणिपुर को जल्द खुशहाल और एक शांतिपूर्वक स्टेट में लाया जाएगा. And ma'am, see, the 2024 election is very close. Yes. And in Manipur, is it possible to run election in Manipur, and your party is going to have a run in Manipur, or that you'll have a candidates in Manipur? Yeah, basically this is a very crucial time of for all of us also. We are planning to do that, but the thing is we are in the alliance of India with Indian government. So whatever Indian government decided for our party, we'll go ahead with that one. Right now we don't have the right to say that we are going to fight in this coming election, but I feel that if India alliance partner is allowing us just to fight in this election also, we are going to fight. Okay. What message would you like to give to the people of Manipur in way back to our development and peace? For that purpose, because now if I say we are just trying to find out the peace also, it is a normal line only, but it's not possible without the supporting of the people of Manipur.
And then the government of Manipur also have to support us as a public of their own state. And the government of India also, we are just approaching just to do as soon as possible just to give the solution of my native land. So we are just going ahead with that only. So without any concern with the government of India, because we are हम भारतवासी हैं, भारत की एक प्रजा है, भारत की एक प्रजा, हम अपने प्रधानमंत्री से कोई चीज के लिए अनुरोध करते हैं। But the question is that why the Prime Minister of India, the biggest, the largest democracy in the world, haven't you know spoke about or you know come down to Manipur? Why is that? इस बारे में तो हमारा नज़र से ये है कि मतलब प्रधानमंत्री जी ने ऐसा तो नहीं हमारे बारे में कुछ नहीं बोला, उसके लिए भी हम लोग भी थोड़ा सा सोच में पड़ गए हैं कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये है प्रधानमंत्री जी ऐसा तो नहीं कि वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से जो भी बनता है अपने थ्रू जो भी देखिए जो भी इनका गाइडेंस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनके गाइडेंस के हिसाब से ही चलते हैं। जो भी अभी चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब ने फेंसिंग के लिए ऑलरेडी अनाउंस कर दिया 200 स्क्वायर यार्ड तक हम लोग का वो फेंसिंग हो जाएगा क्लोजिंग सून। तो फिर ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि भारत सरकार हम लोग को अनदेखा कर रहा है, भारत सरकार कर रहा है, लेकिन ये हमें अपने दिल से पूछ के हम जब सोचते हैं तो बोलते हैं कि इतना समय क्यों लगा, व्हाई इट्स टेकिंग टू मच टाइम। समय ना लगा के जो इलीगल इमाइग्रेंट्स है नार्को टेररिस्ट को ही तो भगाना है ना, हम अपने स्टेट से नहीं, हमारे इंडिया से भगाना है, हमारे भारत से भगाना है। भारत से भगाने में जितना जल्दी उन लोग का जो संज्ञान लेंगे उतना ही जल्द हम लोग की मणिपुर में पीस लाया जाएगा। इसलिए हम बार बार भारत सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं, आई एम जस्ट सेइंग एवरी टाइम टू इंडिया गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जस्ट टू ब्रिंग द पीस, दे हैव टू बी टुगेदर, जस्ट टू वर्क टुगेदर just to bring peace Manipur as soon as possible as earlier. And the last thing is that RLJP party, yeah, what's your future plan about Manipur? Yeah, jab bhi any time if they needed us in the time of Manipur crucial also I was there, and in the coming time also whenever they need us for supporting to the people of Manipur, and we are just already progressed as soon as possible they will take the progress of this solving the Manipur problems also in this crucial time. So we are also going ahead with the lots of memorandum and all these things. I think that the government of India will take initiative for that also. We are taking that initiative from our RLJP side. Thank you so much ma'am for your valuable time. Thank you so much. Thank you so much.